Hi guys, welcome to MBA CET 2022 video, and in this video we look at how to start our preparation from May onwards. So those who have not yet started their preparation, this video is for you people. And partially if you have started, then what are the mistakes you are doing which you should not do, in this video we look at how we can crack MBA CET with good score, with good percentile, so that we end up with top MBA colleges for our career. Okay, so everything we look at in this video. Also, there is a kind of a question coming up from the student side, is a date extend hogi ki nahi hogi exam ki, August possible hai ya to phir June mein hi date hoga. So that is again question mark guys, no any clarity came from the CET cell. So kindly keep on checking the official website of CET cell. Apne ko itna pata hai ki 24, 25, 26 ko apna exam hone wala hai. Uske agar aage date extend hoti hai to wo bonus days hoga preparation ko leke. To apne paas 50 days bacha hua hai in hand फॉर दी प्रिपरेशन. तो मुझे ये 50 डेज को वाइजली यूज़ करना है, फोकस होकर प्रिपेयर करना है, ठीक है. बिकॉज इसके बाद कोई भी MBA का एंट्रेंस नहीं है मेरे पास जिसके थ्रू मुझे किसी अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. तो वो क्लैरिटी के साथ अपने को प्रिपरेशन करनी है. सो इन MBA CET 2022 देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट हु विल बी प्रिपेयरिंग. नंबर वन, जो रिपीटर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर लिखा था, मेहनत की थी, एक्स वाई जेड रीजन से उनका क्रैक नहीं हुआ, तो वो तो पूरे खुन्नस में इस साल लिखने वाले एग्ज़ाम, ठीक है. दूसरे जो इस साल दूसरे के MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखे हुए, लाइक कैट लिखा हुआ है, स्नैप सी मैट मैट, तो दूसरे कोई भी MBA एंट्रेंस लिखा हुआ है तो आपने काफ़ी लेवल पे आपकी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है. और लास्ट टाइप वो है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ MBA CET टारगेट कर रहे हैं. सो इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है विथ रिगार्ड्स टू एनी सेक्शन एंड विथ रिगार्ड्स टू एनी ऑफ द एग्जामिनेशन. तो आपके लिए सबसे बड़ा अलर्ट ये है कि भाई आप एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट से लो. मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, छोटे वाले टेस्ट से चालू करो पहले, उसके बाद आपके फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है. तो इफ़ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ डेज, पूरा मई है आपके पास और 20 डेज आपके पास जून का है, तो 50 डेज का टाइम है. जितने लोग रिपीटर्स हैं आपको तो सिर्फ मॉक पे काम करना चाहिए, एनालिसिस पे काम करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए और स्कोर कैसे आपका मैक्सिमाइज हो, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे एरिया पे आपको काम करने की ज़रूरत है. बाकी तो प्रिपरेशन आपने पूरी कर ली है इस साल भी. अदर एग्जाम इफ यू हैव अपीयर देन वेल एंड गुड, तो और भी एक एक्सपीरियंस एड ऑन हो गया रहेगा. तो ये साल तो भाई बिल्कुल चांस नहीं लेना है आपको, यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन. अदर MBA एंट्रेंस इनका भी एक इनके केस में दे हैव अपीयर फॉर द अदर MBA एंट्रेंस, लाइक जैसे कि मैंने बताया कैट हो गया, स्नैप हो गया, NMAT हो गया, IFT हो गया, CMAT हो गया. तो आपका क्वांट मेजर लेवल पर सबके अंदर क्वांट आता है आपका, तो वो तो प्रिपेयर होगा, इंग्लिश भी प्रिपेयर होगा, वर्बल लॉजिक भी प्रिपेयर होगा. तो बेसिकली करना क्या है आपको, आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है बिकॉज एवरी एग्जाम इज़ डिफरेंट बॉल गेम. सो यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन. CET जो है वो स्पीड वाला एग्ज़ाम है, मतलब उसमें अपने पास टाइम नहीं, अपने को भागना है, ओके. बिकॉज देर आर 200 क्वेश्चंस जो अपने को 150 मिनट में सॉल्व करना है, तो एक क्वेश्चन को तो 1 मिनट भी नहीं है अपने पास, 30-40 सेकेंड का टाइम है. सो विद दिस माइंड सेट यू हैव टू प्रिपेयर. एंड CET को जिस तरह से अटेम्प्ट करना की रिक्वायरमेंट है, वो लेवल पे आपके मॉक टेस्ट पे रिग्रेसली वर्कआउट करो, आपका माइंड सेट चेंज करो, ठीक है. आपने कैट लिखा होगा, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, हो सकता है परसेंटाइल भी अच्छा आया हो और CET आपको लग रहा है अब तो मैं फोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कैट एंड CET बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम. सो फॉर ऑल दी MBA एंट्रेंस यू हैव टू अप्लाई डिफरेंट अप्रोच. जितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहे हो आपका भाई सेक्शन अच्छा कर लेना. क्वांट है आपका, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको लॉजिक पे देना है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 आपके लॉजिक के, 25 एब्स्ट्रैक्ट के और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश वर्बल के आने वाले हैं. तो मैथ्स तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की होगी, अगर मैथ्स वीक है तो टेंशन नहीं लेना अपने को. अपने को DI आने वाला है 30 मार्क्स, 25 से 30 का DI है, डेटा सफिशेंसी नंबर, और उसके बाद आपका 5 मार्क्स नंबर सीरीज, बाकी 15 से 18 क्वेश्चन आपके प्योर मैथ्स वाले हैं. तो आपके DI अच्छे से करके रखो और आपके अरिथमेटिक वाले जो टॉपिक है उस पर वर्कआउट करके रखो. अपने को आउट ऑफ 50 इन क्वांट 35 प्लस अगर हिट करें तो डिसेंट स्कोर है. लॉजिक में ट्रेडिशनल पे काम करना चालू करो, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के, ओके. सो ट्रेडिशनल लॉजिक में से आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया आपका, इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉजम हो गया, ये सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो. 30 सेकेंड में कोशिश करो कि पर क्वेश्चन आई कैन सॉल्व 20 सेकेंड, 30 सेकेंड. जो भी टाइम आप यहाँ पे सेव करोगे वो आप अदर सेक्शन में यूज़ करोगे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने में टाइम लगता है, पजल के क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन के लिए अपने को टाइम सेव करना पड़ेगा, ओके. लाइकवाइज फॉर द इंग्लिश,
आरसी पे वर्कआउट कर लो, वो कैप ग्रामर पे अच्छे से मेहनत कर लो, और पैराग्राफ जंबल जो है वो हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है आपके सीटी एग्जाम में। तो आउट ऑफ 50 30 से 35 मार्क्स का ब्रेकअप अपने को लाना है, मतलब सीटी में अगर ऑल चाहिए 135 से 140 का स्कोर आउट ऑफ 200 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो मई से अभी अगर आप चालू कर रहे हो तो ज़्यादा स्ट्रेस आपका एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग डेली बेसिस पे चालू करो, जिससे आपके रीडिंग स्पीड बढ़े और कॉम्प्रेशन स्किल डेवलप हो, तो वो एक काम आपको तो विदाउट फेल करना है। लॉजिक के ट्रेडिशनल को लेकर के डेली बेसिस पे, मतलब उसको लेकर शॉर्टकट आपका रेडी होना चाहिए। पज़ल को लेकर एक एक पज़ल डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना चालू कर देना चाहिए। मॉक की एनालिसिस और उसका रिविज़न और कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर वर्कआउट। और मैथ्स के अंदर अगर आपका मैथ्स वीक है तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना, बिकॉज सी टी लॉजिक वाला एग्जाम है, मैथ्स वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स को लेकर के एज आई मेंशन आपका अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, बस ये तीन सेक्शन पे भी मेहनत कर ली तो भी अपना डिसेंट स्कोर काउंट में बनेगा। तो मई से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली पॉसिबल है सी टी क्रैक करना गुड स्कोर से, और अच्छे कॉलेज टॉप 10 कॉलेज में तो एम बी ए के लिए एडमिशन आपको मिल ही जाएगा महाराष्ट्र में, जो भी कॉलेज आप टारगेट करो, चाहे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, जहाँ पे भी आप कॉलेज, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो प्रोवाइडेड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, आपका माइंडसेट कितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो आप, और जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो उसका वो अपने आपके सामने होना चाहिए, और क्या स्कोर मुझे चाहिए, परसेंटाइल चाहिए, उसको लेकर के डेली बेसिस पर मेहनत करने का टाइम आ गया, ठीक है। सो टू हेल्प यू पीपल एट मेन्योर ऑल्सो वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स बैच ऑनलाइन एंड क्लासरूम बोथ, सो इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन अस देन यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। क्रैश कोर्स बैच को लेके यू कैन कॉल ऑन 8828581455। ये कंप्लीट करिकुलम है आपके प्रिपरेशन को लेकर के, ओके। और आपका जो क्लासरूम है, अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो दादर बोरीवली वसई, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आर टीम विल हेल्प यू विथ रिगार्ड्स टू द बैचेस एंड दी अदर इन्फॉर्मेशन। सारी डिटेल्स मैंने डिस्कशन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई तो मॉक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक इट। मिनिमम 20 से 30 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से दो बार प्रैक्टिस कर लो। This is what I want to say in this video. That's all. All the very best. Thank you.